हाय, आई एम सैयद राशिद फ्रॉम अहले बैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कोटला अलीजा हैदराबाद। वेलकम टू माय वीडियो स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूवर्स। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट आईड लाइक टू रीड फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट, देन आई विल क्रिएट वन सिचुएशन। आफ्टर क्रिएटिंग द सिचुएशन वी मूव ऑन लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मैं पहले मैं कुछ चीज़ें पढ़ लूँगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, साथ ही साथ एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट एंड इट्स कॉम्पोनेंट। वॉट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक करंट? वॉट टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्लोस थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर व्हेन इट इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट? Is there any evidence for motion of charge in daily life situation? In class 8 you have learned about lightning. Lightning is an electric discharge between two clouds or between clouds and earth. This electric discharge through air appears to us as the electric spark or lightning. Lightning is a live example which provides evidence for the motion of charge in the atmosphere. Does motion of charge always lead to electric current? Let us see. अब देखिए, आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं और एक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट और उसके कंपोनेंट क्या क्या है वो आपने मालूम किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, आप बोल सकते क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो चार्ज फ्लो होता है यानी कि जो चार्ज भागते रहता वायरों से कनेक्ट करने पर, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा? कोई हमारे पास डेली लाइफ सिचुएशन में कुछ ऐसा सबूत है यानी एविडेंस है जहाँ पे हम साबित कर सकेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स रहते? तो हाँ, बिल्कुल है। जो हमारे आसमान में जो बिजलियाँ कड़कते हैं, ठीक है, वो बिटवीन दो क्लॉट्स यानी दो क्लॉट्स मिलने से कड़केंगे, या फिर अर्थ और क्लॉट का जो सरफेस है, अर्थ और क्लॉट मिलने से कड़कते हैं, तो इससे डिस्चार्ज होता और हमको इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी कि हमको बिजली दिखती है, ठीक है। लाइटनिंग क्या है, एक लाइफ एग्जाम्पल है जो हमको प्रोवाइड करता मोशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज मूव हो रहा सो इन द एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर में। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हर एक फ्लोइंग थिंग यानी कौन सी भी चीज़ यानी कि मूव हो रहा है या फिर मोशन में हो रहा है, वो सब करंट पैदा कर सकते? डज मोशन ऑफ चार्ज ऑलवेज लीड टू इलेक्ट्रिक करंट? तो देखिए, अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, थ्री सिचुएशंस है। सिचुएशन वन, टेक ए बल्ब, अ बैटरी, अ स्विच एंड फ्यू इंसुलेटेड कॉपर वायर। कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉपर वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी थ्रू द बल्ब एंड स्विच ऑन। नाउ स्विच ऑन द सर्क्यूट एंड ऑब्जर्व द बल्ब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पहले उसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक छोटा सा बल्ब ले लिए, ठीक है, उसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे एक स्विच लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पहले स्विच और जो वायर्स है, ये वायर्स हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है, कॉपर वायर है। नाउ केस टू, रिप्लेस द बैटरी फ्रॉम द सर्क्यूट एंड कनेक्ट द रिमेनिंग कंपोनेंट्स टू मेक कंप्लीट सर्किट, अगेन स्विच ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पे सिचुएशन टू में हम क्या कर रहे हैं, देखिए, बैटरी जो है ना, बैटरी को हम निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहे हैं बल्ब से, ठीक है। आई एम जस्ट ड्राइंग रफ डायग्राम स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, डोंट कन्फ्यूज के सर को डायग्राम में उतारने नहीं आ रहा, जस्ट रफ। सेकेंड सिचुएशन में मैं बैटरी निकाल दिया, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ, मैं सेम सर्क्यूट रहेगी मेरे पास, बैटरी भी अवेलेबल रहेगी और मेरे पास स्विच भी रहेगा। इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर मैं क्या करूँगा, नाइलॉन का वायर लगा देता हूँ, ओके। तो इन विच सिचुएशन डस बल्ब ग्लो, ठीक है, नाइलॉन का वायर लगा दिया, तो कौन से सिचुएशन में आपको बल्ब ग्लो होगा? ऑब्वियसली इन सिचुएशन वन हमको बल्ब ग्लो होगा, जैसा सिचुएशन वन में ही बल्ब ग्लो होगा, सिचुएशन टू में नहीं ग्लो होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा ग्लो, इसमें भी नहीं होगा, इसमें आपको बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे अपन, ग्लो डज नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो। अब ये क्यों हो रहा, आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल नोटिस दैट द बल्ब ग्लोज ओनली इन सिचुएशन वन। कैन यू प्रिडिक्ट द रीजन फॉर द बल्ब नॉट ग्रोइंग इन सिचुएशन टू एंड सिचुएशन थ्री? क्या आप एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिचुएशन टू और सिचुएशन थ्री में बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ यानी डज नॉट ग्लो क्यों हुआ? इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट द बैटरी स्टोर्स केमिकल एनर्जी।
and this energy converts into electrical energy and makes the bulb to glow as you observe in situation 1. That is, the battery supply the required energy to make the bulb glow. But in situation 3, there is a battery in the circuit, the bulb does not glow because the connecting wire, nylon wires, are not able to carry the energy from source, that is battery, to bulb. Hence, the nature of substance plays an important role in the transferring of energy from battery to bulb. The material which transfer energy from battery source to bulb is called conductor, and the material which cannot transfer energy from battery to bulb is called non-conductor. Why do all metals not act as conductor? How does a conductor transfer energy from source to bulb? अब हम यहाँ पे दो चीजें सीखेंगे. एक हमारे पास रहता है कंडक्टर और एक होता है नॉन कंडक्टर. नॉन कंडक्टर का वैसे यूजुअली और एक नाम भी हमारे पास रहता है जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं. ये दोनों सेम है. तो यहाँ पे कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, सेम है. आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कंडक्टर का, वो ये है कि द मटेरियल विच ट्रांसफर और एल्स द मटेरियल विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर. यानी वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं. द मटेरियल विच के नॉट ट्रांसफर और पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर, ठीक है, उनके अंदर से, इज नोन एज नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर. ये वन मार्क्स में कभी पूछा तो पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है. अब एक सवाल उठ रहा, वाई डू मटेरियल, हर एक मटेरियल, सब मटेरियल्स कंडक्टर के जैसा एक्ट क्यों नहीं करते, बस नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर क्यों रहते, पहला सवाल. दूसरा सवाल, अगर कुछ मटेरियल कंडक्टर है तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कैसा सप्लाई करते हैं, यानी कि वो कंडक्टर के अंदर कौन सी टेंडेंसी या एबिलिटी है जो उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए अलाउ करती है. नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को लेके एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनका नाम है ड्रूट्स एंड लॉरेंट्स. इन लोगों ने अपने एक थीसिस लिखे थे, यानी कि अपने ख्याल जाहिर किए थे इलेक्ट्रिक कंडक्टर को या इलेक्ट्रिसिटी को लेके कि वो किस तरीके से पास होती है, ठीक है. और यूजुअली ये लोग 19th सेंचुरी में वर्क करे थे, ठीक है. तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे. ड्रूट एंड लॉरेंट, साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, प्रपोज दैट कंडक्टर लाइक मेटल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइल द पॉजिटिव आयन्स आर फिक्स इन देयर लोकेशन. द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड लैटिस. देखिए, जैसा कि इन लोगों का पहला थीसिस ये बताया जा रहा है, यानी पहला पॉइंट इनका ये है कि कुछ कंडक्टर्स रहते हैं, जैसा कि मटेरियल्स है, उन लोगों के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते, वाइल पॉजिटिव आयन और उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन्स रहते वो फिक्स रहते एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, उनके लोकेशन पे. और जो अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन्स रहता मटेरियल के अंदर उसको हम लैटिस कहते हैं, ठीक है. अगर आपको पूछा है एग्जाम में व्हाट इज लैटिस बोलने पे, आप सिंपल डेफिनेशन लिख देना, द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन्स इन एन मेटल इज कॉल्ड लैटिस, सिंपल है. तो यहाँ तक पहला पॉइंट समझने आ गया आपको, आगे बढ़ेंगे हम. लेट अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लैटिस स्पेस. जब लैटिस अगर उसके अंदर है तो उसके अंदर एक लैटिस यानी उसके अंदर कुछ जगह भी तो रहेंगी आसपास थोड़ी बहुत, तो लैटिस स्पेस को समझेंगे. अब उसका मैं एग्जांपल बहुत सारे दूंगा, मेरे पास उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, ठीक है. अगर मैं फिंगर्स को ऐसा तो हमेशा नहीं रहती ना फिंगर मेरी, तो मेरी फिंगर कुछ इस तरीके से हमेशा रहती, या फिर मेरा नेल है, नेल और फिंगर के बीच में भी कुछ स्पेस है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल स्पेस रहते हैं, हमको इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता इसको समझने के लिए. तो अब जो लैटिस है उसके अंदर स्पेस भी तो होनी चाहिए. तो अज्यूम दैट अ कंडक्टर इज एन ओपन सर्क्यूट. कंडक्टर क्या है, एक ओपन सर्क्यूट है. सपोज कीजिए आप, द इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन द लैटिस स्पेस ऑफ कंडक्टर एज शोन इन द फिगर. अभी मैं एक डायग्राम डालता हूँ, आप थोड़ा सा देख लेंगे. स्टूडेंट देखिए, जो हमारा वायर जो दिखता है हमको यूजुअली ऐसा दिखता, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लेंगे, मज़ा आता. जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको वायर नज़र आएगा, ठीक है. और ये जो वायर के अंदर जो आपको मैं ऐसा जो राउंड उठा यानी उतार रहा हूँ, इस टाइप के चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन बोलेंगे. क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है आपको आगे बहुत ज़्यादा आएगा, क्रॉस सेक्शन. तो क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, आपको समझ, ये जो एरिया होता है. अब एक वायर में आपको कितने क्रॉस सेक्शन बन सकते, एन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस रहते, एन
नंबर ऑफ की कितने, एक करोड़ बोलते भी निकलते, एन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एक डायग्राम जो मैंने डाला, जैसा आप डायग्राम में देख सकते कि जो इलेक्ट्रॉन के पास जो लैटिस स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन एक रैंडमली अवेलेबल रहता, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम रैंडम अपनी जगह पे। ये जो एरो मार्क से मैं जो आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नथिंग बट ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बिल्कुल रैंडमली रहेंगे, अब यानी कि बिल्कुल रैंडम उनका मोशन रहता है। ठीक है, नाउ यहाँ तक आप समझ गए। आगे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, जब वो रैंडम मोशन में है तो उन्हें कौन से भी डायरेक्शन में मूव होते हैं। हेंस इफ़ यू इमेजिन एनी क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, अगर आप एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करें जैसा कि आपको डायग्राम में बताया जा रहा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स पासिस द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन वन सेकेंड। इट मीन्स दैट नेट चार्ज मूविंग अलॉन्ग अ कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो व्हेन द कंडक्टर इज इन ओपन सर्क्यूट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे एक टच हो रहा, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो एक इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट से लेके राइट तक मूव हो रहा। ठीक है, अगरचे के ये ओपन सर्क्यूट में है तो नेट जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन रहता वो बिल्कुल जीरो रहेगा, यानी कुछ भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं रहेगी। वॉट हैपन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड टू द बैटरी, अगर मैं ये वायर है, ठीक है, ये वायर को ले लेकर जाके यहाँ पे बैटरी में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्विच भी लगा दे सकता हूँ। ये जो मैं अभी जो डायग्राम्स उतार रहा हूँ सर, खाली आप डायग्राम उतार रहे, ये जो रहता सर्क्यूट कहते हैं इसको, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक हम पूरा बना रहे हैं बैटरी से, बीच में हम वायर्स को कट करके यहाँ पे स्विच बनाते, यहाँ पे चाहे तो हम कौन सा भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रख सकते हैं, यहाँ पे आप रखिए बल्ब रख लीजिए, ठीक है, फिर आप चाहे तो आगे फैन रख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, तो पूरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इसके अंदर रहेंगे। ये स्विच कंट्रोल बल्ब के लिए है, आप और एक स्विच कंट्रोल यहाँ पे रख लीजिए, फैन के लिए रख ले सकते हैं आप, तो ऑन करेंगे ये तो फैन ऑन होगा। तो बहरहाल ये इस तरीके से पैरेलल सीरीज बोल के आगे आपको आता, उसमें और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैं मज़ीद बताता हूँ। नाउ जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो आप समझ गए, क्या होता अगर चेके यही वायर को हम बैटरी के अंदर कनेक्ट करके ऑन कर दिए। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे स्विच भी रफ कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट बैटरी पे कनेक्ट कर देंगे। हाँ, व्हेन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड टू द बैटरी थ्रू अ बल्ब, द बल्ब ग्लोस बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम बैटरी टू द बल्ब। अगरचे के सेम ये जो अभी मैं आपको बताया था कि अगर इन्हें बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो ये बैटरी से एनर्जी ट्रांसफर होगी और बल्ब ग्लो होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू बल्ब दे मे हैव एन ऑर्डर्ड मोशन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्डर्ड मोशन देर विल बी अ नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर सी फिगर टू, दिस ऑर्डर्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। अब देखिए होता क्या है, अब यहाँ पे जैसा ही बैटरी को हम कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट ऑन है, स्विच भी नहीं है, तो कनेक्ट करके बीच में बल्ब लगा दिए तो जो बल्ब रहता वो ग्लो होना शुरू होता, जलना शुरू हो जाता। तो कई को होता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना, अभी यहाँ पे मोशन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इन्हें ऑर्डर्ड मोशन में आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे रैंडम था यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड मोशन में इलेक्ट्रॉन हो जाता। और कभी भी उन्हें कोई एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा तो इसका एक पर्टिकुलर चार्ज रहता, ठीक है, इसी चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, मगर थोड़ा अच्छे से हायर लेवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसा आप बड़ी क्लास के तो बड़ा डेफिनेशन देखेंगे। थस वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज, लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटेटिवली। अब इसको एक डेफिनेशन लगाएंगे इलेक्ट्रिक करंट का, तो लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन वन सेकेंड। तो देखिए कौन सा भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज इन वन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेट Q be the charge crossing through any cross section of the conductor in a time interval t, then the amount of charge crossing through that crossing
क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड इज क्यू बाई टी, देयर फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम इंटरवल। इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक ओके करंट सी यू आर आर ई एन टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक ई एल ई सी टी आर आई सी इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम इंटरवल बन सकता। ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट को लेके छोटा सा और नॉर्मल फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। I इलेक्ट्रिक करंट हमेशा I से डिनोट होता और चार्ज आपको Q से होता, T तो आप टाइम ही है, तो ये हमारा एक शॉर्टकट फार्मूला हो गया सेम I इक्वल्स टू Q बाई T। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हो गया। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट के जो SI यूनिट रहते हैं वो एम्पियर रहते, ए एम पी ई आर ई आर, इसको आप कैपिटल ए बी कहते हैं। और एक एम्पियर किसके बराबर होता, देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 कोलम बाई 1 सेकेंड, 1 C O L U M N कोलम बाई 1 S C C O N D सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड का तो आपको पता है एक टाइम है, टाइम है, तो यहाँ पे इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे थोड़ा सा, 1 A इज इक्वल्स टू 1 C पर सेकेंड, यानी 1 कॉलम पर सेकेंड, ये आपका। और एक एक फार्मूला हो गया, 1 एम्पियर कितने के बराबर होता, 1 कॉलम बाई 1 सेकेंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेंगे। अब 1 कॉलम की एक वैल्यू रहती है अपने पास सी ओ ओके यू एल ओ एम बी, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा करेक्ट कर लेंगे स्प्रिंग कॉलम की, सी ओ यू आ जाएगा यहाँ पे, सी ओ यू एल ओ एम बी, और उसका शॉर्ट फॉर्म तो सी है, 1 C/सेकंड का एस है। तो 1 कॉलम की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती देख लीजिए आप, ठीक है, 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 6.625 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन सोच लेते रहे ना ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, क्या है क्या नहीं, इट हैज़ वेरी लार्जर वैल्यू, यानी एक कॉलम 6 × 625 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती। तो अभी तक आपने हमने जो जो पढ़ा आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हम लेसन शुरू करे थे, मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पार्ट दिया था कि प्रीवियस क्लासेस में आपने चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ा था, लाइटनिंग उसका एक एग्जाम्पल था, लाइव एग्जाम्पल था, वो बोला था मैंने। फिर इसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट करके बताया था, फिर आगे मैंने 2 चीज़ों को बताया था, कंडक्टर और इंसुलेटर। फिर उसके बाद हमने जो थीरी है ड्रूंट एंड लॉरेंट्स थीरी की पास, यहाँ तक हम पढ़े हैं। तो आई थिंक आई विल गोइंग टू स्टॉप आवर सेशन हियर इटसेल्फ। नाउ आई एम रेजिंग 1 क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आंसर इफ़ यू वांट यू नीड टू वॉच माई नेक्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, इसका आंसर होना तो अगला पार्ट देखना ही पड़ता। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई डू इलेक्ट्रॉन मूव इन एन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन होते, अभी मैं जो डायग्राम उतारा था कि उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता जो मूव होता, तो आखिर क्या चीज़ है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन के पास ले लेके आती, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। वी विल गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू हैव टू टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। आई एम सैयद राशिद फ्रॉम अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कोटला लीजा हैदराबाद।